हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर पॉपर्स। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 4-5 कलियां लहसुन बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 3 बड़े चम्मच मैदा, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्स, नमक स्वादानुसार, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। बाउल में पनीर को ग्रेट करें। प्याज डालें। लहसुन डालें। अदरक डालें। आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। हरी मिर्च डालें। हरा धनिया डालें। स्वादानुसार नमक डालें। लाल मिर्च पाउडर डालें। काली मिर्च पाउडर डालें। गरम मसाला डालें। जीरा पाउडर डालें। और 1 चम्मच मैदा डालें। और मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए मिक्सचर रेडी है। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। पहले आप इसका एक सॉल्यूशन तैयार करें। 2 बड़े चम्मच मैदा और 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉल्यूशन तैयार करें। सॉल्यूशन में गांठें नहीं होनी चाहिए, इक्वल पेस्ट होना चाहिए। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। पनीर की बॉल को सॉल्यूशन में डिप करें और ब्रेड क्रम्स लगाएं। एक एक करके बॉल्स को साइड में रखते जाएं। कढ़ाई में ऑयल गरम करें और बॉल्स को तलें। गैस की फ्लेम मीडियम रखें। अब आपके पनीर पॉपर्स तल चुके हैं, इन्हें निकाल लें।
एक्स्ट्रा ऑयल हटाने के लिए आप इसे टिश्यू पेपर पर निकालें। ये देखिए पनीर पॉपर्स रेडी हैं। आप ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करें। आप अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ इसे खा सकते हैं। पनीर पॉपर्स आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। आप हमारी ये वीडियोस भी देख सकते हैं।